हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मटकी फोड़ो। तोड़ के दिखा, मैं भी देखूं कैसे तोड़ते हो। सारा दिन इस ओखली से बांध कर रखूंगी तुझे, धूप में सड़ता रहेगा तू ना। किसका माखन चुराया है? किसी का नहीं चुराया, नहीं झूठ बोलता है, मैंने चोरी नहीं की। अब बताओ, चलो यशोदा मैया के पास चलो। वो मानती नहीं थी कि मेरा बेटा चोरी करेगा। नहीं नहीं मैया से मत कहना, वो फिर मुझे ओखल से बांध देगी। यही कहेंगी, परंतु तुम्हें इसका मोल देना पड़ेगा। हाँ ले लो, मेरे कंगन ले लो। कंगन नहीं लेंगी। फिर क्या लोगी? बताएं, हम तो चुम्बन लेंगे। सबके सामने? हाँ हाँ सबके सामने। सबके सामने ला जाती है। अच्छा ला जाती है, परंतु हम तो सबके सामने ही लेंगी। निर्लज्ज बेशरम, पहले माखन चुराता था, अब वस्त्र भी चुराने लगा। दे दो हमारे वस्त्र वापस, नहीं तो यशोदा मैया से कहकर ऐसी पिटाई लगवाएंगे कि जीवन भर याद रखोगे। ये बात है तो जाओ कर दो शिकायत। अरे यशोदा, वो दोनों माखन चुरा कर भागे तो हम सब ठहाका मार कर हंसने लगी। हाय भैया, सब क्या कहेंगी? ये सोचेंगी कि माँ खाने को नहीं देती, इसलिए बेचारा बाहर चोरी करता फिर रहा है। नहीं ऐसा कोई नहीं सोचती, अरे वो तो लल्ला पर वारी वारी जाती हैं। जाने तेरे लल्ला के पास क्या मोहिनी है, सबको मोह लेता है, कोई बुरा नहीं मानती। लेकिन कब तक बुरा नहीं मानेगी काकी? एक दिन वो सब उसे चोर कहेंगी, चोर। आज उसे घर आने दो, मैं उसे डांटूंगी। हाँ देख यशोदा, यदि कान्हा को तू डांटेगी ना तो मैं नंदराज जी से कहकर तुझे डांट पड़वाऊंगी। हाँ अभी तो बजाती हूँ, फिर कभी ऐसी बात मत करना। हाँ समझी? भूख लगी है, मुझे माखन दो। तू जाओ किसी के घर से माखन चुरा के खाओ ना। किसी का माखन क्या? तू कितना माखन है? पर तुम्हें माखन नहीं मिलेगा। क्या? क्योंकि तुमने बसंती के घर चोरी की है। पहले कान पकड़कर क्षमा मांगो और फिर वचन दो कि कभी चोरी नहीं करोगे, तभी माखन मिलेगा। हाँ मुझे माखन चाहिए। पहले क्षमा मांगो। मटकी फोड़ो। अरे जाओ तोड़ के दिखाओ। मटकी फोड़ो। जा तोड़। फोड़ो। तोड़ ना, तोड़ के दिखा, मैं भी देखूं कैसे तोड़ते हो। फोड़ो। तोड़ दे। मुझे फोड़ो। तोड़ के दिखा ना। गया है, माखन नहीं मिला तो मटकी फोड़ दी। ठहर तू जरा, आज दिखाती हूँ तुझे। ठहर जा। नटखट कहीं का? अरे कहाँ तक भागेगा? अभी दिखाती हूँ, ठहर जा। कैसे डर के मारे भाग रहे हैं। जैसे कोई शेर पीछे पड़ा है। शेर से कौन डरता है, परंतु ये तो माँ की छड़ी है। हा? एक पड़ेगी बहुत पीड़ा होगी। माँ खींच गई है, मारेगी तो जोर से। हाँ तो कहिए अपने सुदर्शन चक्र से कि काट दे छड़ी को। राधे, कोई महादैत्य होता, उसका कोई महान शक्तिशाली अस्त्र होता,
उसे क्षण भर में ही सुदर्शन से काट देता, परंतु ये तो मां की छड़ी है। इस समय भागना ही बुद्धिमानी है, मां थोड़ा थक जाएगी, क्रोध भी कम हो जाएगा, मार भी कम पड़ेगी। तू जरा आज तुझे मजा न चखाया तो मेरा नाम यशोदा नहीं। इधर आ, सारा दिन इस ओखली से बांध कर रखूंगी तुझे, धूप में सड़ता रहेगा तू ना, फिर देखती तू कैसे सब कुछ करता है। हंसता है? अरे दैया कितना बड़ा पेट है रे तेरा। मैं तुझे इससे लंबी रस्सी से बांधती हूँ। रह रहे तू पेट फुला रहा है? अब देखो कैसे पूरी नहीं आती। अरे ये क्या चमत्कार है। अरे यशोदा यमुना घाट नहीं चलना है क्या? चलना है, पहले इस नटखट को ठीक तो कर लूं। अरे क्या कर रही है उस बेचारे को, ये बेचारा दिखाई दे रहा है तुम्हें? माखन मांग रहा था, नहीं दिया तो देखो इसका गुस्सा, पीड़ा मारकर चाटी तोड़ दी। ये क्या हो रहा है, ये क्या चमत्कार है? कैसा चमत्कार? कितनी ही लंबी रस्सी बांधती हूँ पर हर बार वो दो अंगुल छोटी रह जाती है। मैया ये दो अंगुल की कमी मनुष्य के पराक्रम से कभी पूरी नहीं हो सकती। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी देवता इन्हें अपनी तपस्या की डोर में बांधने का संकल्प तो करते हैं, परंतु तपस्या की डोर में भी वही दो उंगल की कमी रह जाती है। जानती हो मैया ये दो उंगल की कमी जीव के अहंकार का परिणाम है। वो चाहे भक्त हो या ज्ञानी, परंतु वो भक्ति या तपस्या का अहंकार उसके साथ ही रहता है, और वही अहंकार आत्मा और परमात्मा के बीच दो उंगल का फासला बनाए रखता है। अब देखो कैसे पूरी नहीं आती। माता इसे बांधने चली हो, ये तो सबके बंधन खोलने वाला है, इन्हें कैसे बांध सकोगी? मैं अवश्य तुझे बांधूंगी, देखू कैसे नहीं बांधता। Ha 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 ha!
मैया, प्रभु को बांधने का एक ही सरल उपाय है, प्राणी अपने सारे अहंकार छोड़कर उनकी शरण में चले जाए, उनसे सहायता मांगे। अरे मैं तो हार गई रे, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू ही कोई रास्ता बता। ले, बांध। कैसा छलिया है रे तू, अब तक तो पेट फुला रहा था, अब कैसे आराम से बंद किया? बस अब इस ओखल से बांध कर पूरा दिन धूप में पड़ा रहने दूंगी। जब तक मैं स्नान करके आऊं तू यही बंधा रहे। हाँ यही दंड है तेरा। अरे यशोदा बहुत हो गया, जाते हुए खोल दे इस बेचारे को। नहीं सुभद्रा, इसने मुझे बहुत सताया है, इसे दंड मिलेगा तभी सुधरेगा ये। प्रभु, हे दीनदयाल, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, आज आपकी कृपा से हमारा उद्धार हो गया है। हे जगदीश्वर, हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु, हम दोनों देवताओं के कोषाध्यक्ष
यक्षराज कुबेर के पुत्र हैं। नंद कुबेर और मणिग्रीव हमारे नाम हैं। हम दोनों एक दिन बहुत ही मदिरा पीकर अपनी सत्ता के मद में चूर कुछ अप्सराओं के साथ मंदाकिनी में जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय महर्षि नारद भगवान नर नारायण के आश्रम की ओर जाते हुए उस ओर से गुजर रहे थे। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण महर्षि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लजा गईं और झटपट अपने वस्त्र धारण कर लिए, परंतु हम दोनों को अपने पिता की सत्ता और धन के मद ने ऐसा अंधा कर दिया था कि महर्षि नारद का तिरस्कार करके हम उसी नग्न अवस्था में रहे। तुम देवपुत्र होकर भी ऐसे लज्जाहीन हो गए हो कि एक साधु के सम्मुख आने पर भी एक जड़ प्राणी की भांति अपनी नग्न अवस्था में पड़े हो। अतः तुम जड़ योनि को प्राप्त हो जाओ। इस शरीर की सुंदरता पर तुम्हें इतना अभिमान है, जड़ शरीर पाने पर तुम्हारा वो अभिमान भी जाता रहेगा। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी, जिससे तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त होगा कि धन एक नश्वर वस्तु है, उसका अहंकार वृथा है। सो वृक्ष योनि में रहकर धूल कंकड़ वर्षा गर्मी सर्दी आदि के प्रहार अपने नंगे शरीर पर सहते सहते जब तुम्हारा धन और सत्ता का नशा चूर चूर हो जाएगा, तब देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के हाथों तुम्हारी मुक्ति होगी। महर्षि नारद का वो श्राप रूपी वरदान आज पूर्ण हुआ। हे प्रभु, आज आपके दर्शन मात्र से हमारी तपस्या सफल हुई। हे कुबेर पुत्र, अब तुम लोग मेरे परायण होकर अपने लोक को जाओ। तुम्हें संसार चक्र से छुड़ाने वाली मेरी अनन्य भक्ति प्राप्त हो गई है। हमारी गिरी आज 2 दिन से वो माखन चुराया ही नहीं। उसे माखन मिस्त्री अच्छा लगता है ना? उसके लिए विशेष रूप से अपनी लाखी गाय के दूध का माखन निकालकर घर के सामने ऐसे स्थान पर रखती हूँ जहाँ गली से आते जाते भी उस पर दृष्टि पड़ जाए। घर का मुख्य द्वार भी खुला रखती हूँ कि माखन देखकर वो सीधा घर में आ जाए। मैंने तो माखन का कटोरा अपने हाथ में ही रखा है। तेरा माखन क्यों खाएगा? उसके लिए तो मैंने अपनी लाखी गाय के दूध का माखन रखा है। तुम दोनों का ही माखन नहीं लेगा वो? क्यों? इस प्रकार उसे लाज आती है, कहता है मैं भिखारी थोड़ी हूँ, उसे तो माखन चुराने में ही आनंद आता है। मांगने में लाज आती है परंतु चोरी करने में जैसे बड़ी वीरता दिखती है उसे। इसीलिए मेरे घर वो कई बार आया है, और पता है जब वो आता है ना तो मैं तो किवाड़ के पीछे छुप जाती हूँ और उसकी बाल लीलाएं देख देख कर आत्मविभोर होती रहती हूँ।
जिसके भाग्य उदय होते हैं उसी के घर जाते हैं उसके चरण। काना, काना, वो आ रहा है। हाँ? काना, काना हमारी गली की तरफ आ रहा है। हाँ? चलो, 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 चोरी नहीं की। अब बताओ, चलो यशोदा मैया के पास चलो। वो मानती नहीं थी कि मेरा बेटा चोरी करेगा। नहीं नहीं मैया से मत कहना, वो फिर मुझे ओखल से बांध देगी। नहीं कहेंगी, परंतु तुम्हें इसका मोल देना पड़ेगा। हाँ ले लो, मेरे कंगन ले लो। कंगन नहीं लेंगी। फिर क्या लोगी? बताएं, हम तो चुम्बन लेंगे। सबके सामने? हाँ हाँ सबके सामने। सबके सामने ला जाती है। अच्छा ला जाती है, परंतु हम तो सबके सामने ही लेंगी। तुम सबने मिलकर मुझसे धोखा किया है। धोखा तो तुमने किया है, माखन भी खाया और चुंबन भी नहीं दिया। एक बार सबको फिर चुंबन देना पड़ेगा, नहीं तो सब मिलकर यशोदा माँ के पास जाएंगी। हाँ, हाँ, जाएंगी। अच्छा पर हौले हौले लेना, पर एक एक करके लेना। अच्छा बाबा एक एक करके, चलो सब पीछे हो जाओ। यशोदा के घर क्यों जन्मा रे? मेरा पुत्र क्यों नहीं हुआ? हाँ
हम केवल चुंबन ही नहीं लेंगी, सुना है तुम्हें नाच भी आता है। हाँ तो नाच कर दिखाओ। इसके पश्चात जाने दोगी? हाँ थोड़ा सा नाचूंगा। कैसे मोह जाल में फंसा लिया है सबको। राधे ये मोह जाल नहीं है, ये इन सबकी पिछले जन्मों की कामना है जिसे मैं पूरा कर रहा हूं। मैं समझी नहीं। देखो राधे, ये सब जो ग्वालिने हैं ये अपने पिछले जन्मों में बड़े बड़े योगी सिद्ध और तपस्वी थे जिन्होंने जन्म जन्मांतर घोर तपस्या करके हमारे साथ ममता का रिश्ता मांगा था। इन सब की कामना थी कि हमारी माता बने। अब तुम ही बताओ राधे, एक जन्म में कितनी माओं को संभालू? पहले से ही दो माताओं में बटा हुआ हूं, सो हमारे प्रति इनकी ममता और स्नेह की प्यास बुझाने के लिए योग माया ने इन्हें ग्वालिनों के रूप में गोकुल भेजकर इनकी अंतरंग इच्छा पूर्ण कर दी है। आत्माओं का परमात्मा के लिए मिलन नृत्य है। ये भक्त जन आपको नचा रहे हैं और आपकी माया उनको नचा रही है। आपकी अनुपम लीला देखकर कितना आनंद आ रहा है। भगवान कैसा छलिया है, कैसे धोखा देकर भाग गया। मेरा तो सारा माखन ही खा गया, मेरी तो घर में पिटाई होगी। तो क्या हुआ, जो सुख आज इन नैनों को मिला है, जो सुख आज इन अधरों को मिला है, क्या उसका मोल कुछ भी नहीं? मुझे तो किसी के क्रोध करने की चिंता ही नहीं है। उसके सानिध्य से जो अनकहासा आनंद मुझे मिला है उससे तो जैसे कई जन्मों की प्यास मिट गई है। आज तो मैं यशोदा के पास जाकर उतना ही माखन लेकर आऊंगी जितना कि वो चोर चुरा कर ले गया है।
हाँ हाँ चलो, यशोदा से हमें शिकायत करनी ही चाहिए। उससे क्या लाभ होगा, वो क्या किसी की मानती है? वो तो हमेशा यही कहती है कि ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। भला मेरे पुत्र को क्या कमी है जो किसी के घर चोरी करेगा? हाँ किसी दिन रंगे हाथों पकड़ कर लाओगी तो मानूंगी। यशोदा मैया से शिकायत कर दी, ये तो सरासर छल है, धोखा है। हाँ धोखा है, हमें इसका बदला उनसे लेना चाहिए। अवश्य लेना चाहिए। बदला कैसे लेंगे? हम उनकी शिकायत करेंगे। हाँ शिकायत करेंगे। पर किस बात की शिकायत? उन्होंने हमारा क्या चुराया है? हाँ क्या चुराया है? उन्होंने हमारा कुछ नहीं चुराया, तो क्या हुआ, हम कुछ और करेंगे। हम खिड़की से पत्थर मारकर उनकी मटकियाँ फोड़ देंगे। हाँ हम मटकियाँ फोड़ देंगे। हम उनकी मटकियाँ फोड़ देंगे, फोड़ देंगे, फोड़ देंगे। चलो उतरो नीचे। नहीं मैंने पत्थर नहीं मारा। पहले नीचे तो उतरो, अभी बताती हूँ। अच्छा अभी आता हूँ। ये सारा मक्खन जो उसने धरती पे गिरा दिया है, ये सब उसके मुंह पे मल दो। हाँ ये ठीक है, पहले तो केवल मक्खन चुराता था, अब मटकियां भी फोड़ने लगा। ठहरो, अरे लगाने तो दो, इसके हाथ बांधो। लो लो लो, अब आया मजा। लो मटका लो था, देखो। ये सब उन लोगों की योजना थी, तुम लोगों ने शिकायत की थी इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे बदला लेंगे। हाँ जैसे तुमने तो कुछ किया ही नहीं। नहीं मैं तो स्वयं कभी कुछ नहीं करता। वाह तुम तो बड़े भोले हो। चलो ले चलो इसे यशोदा मैया के पास। हाँ, हाँ, ले चलो, 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 के पास। रोज कहती थी एक दिन उसे पकड़ कर लाओ, आज हम इसे रंगे हाथों पकड़ कर लाई हैं। देख ले अपने चोर को। ये सब क्या है, पूछ ले अपने लल्ला से ही। पहले तो ये माखन चुराया करता था, आज तो इसने हम सबकी मटकियां भी तोड़ दी। क्या कहता है कि तुम सबने मेरी शिकायत की है, हम आपसे बदला लेंगे। क्यों कान्हा, क्या ये सब सच कह रही है? नहीं मैया ये सब झूठ है, ये सब किसी दूसरे ग्वाल बालों ने किया है। हा? मैं तो वहाँ था ही नहीं। और ये तेरे मुंह पर माखन कैसे लग गया? ये इन सब ने जबरदस्ती मेरे मुंह पर लिपटा दिया। मैया तुझसे कहा था ना कि जबरदस्ती मुझसे क्या क्या करती है। कितना झूठा है रे तू, सच बता, क्यों आज तू उस पेड़ पर नहीं था? नहीं आज मैं किसी पेड़ पर नहीं चढ़ा। चल अंदर, आज मैं तुझे अपना असली क्रोध दिखाती हूँ। बहनों अब आप लोग जाइए यहाँ से और मुझे क्षमा कर दीजिए। आज मैं इसे काल कोठरी में बंद करके ऐसी सीख दूंगी कि कभी ऐसा नहीं करेगा, और मैं आप लोगों का माखन भी भिजवा दूंगी। नहीं यशोदा इसे मारिए मत, हमें अपना माखन नहीं चाहिए, केवल इसे इतना समझा दीजिए कि ये हमारी मटकियां ना तोड़े। इसे सहानुभूति मत दिखाओ, ये और बिगड़ जाएगा। मैं बताती हूँ अभी इसे, चल अंदर। उसकी शिकायत करके क्या पा लिया हमने? पाया तो कुछ नहीं, कुछ खो दिया है। ये सारी करतूत तुम्हारी है कलावती।
ना तू हमें यशोदा जी के पास जाने को उकसाती, ना हम शिकायत करती, ना इतना बड़ा कांड होता। ऐसी माखन जैसी कोमल देह पर छड़ियों से मारा होगा, ये सोचकर मेरा तो हिया कांपने लगता है। उसी पाप का तो फल है कि अब हम उसे देखने से भी वंचित हो गए हैं। देखा, एक तुम्हारे कारण हम सब के सब उसके दर्शन से भी वंचित हो गई हैं। ऊपर से तुम कहती हो कि उससे प्रेम करती हो। तुम कुछ भी कहो वसुंधरा, मैं फिर वही कहूंगी कि मैं तुम सबसे अधिक प्रेम करती हूँ उस नटखट से, परंतु मेरी चाल अलग है। प्यार की कला भी युद्ध की कला की भांति होती है, जिसमें प्रतिद्वंदी पर आक्रमण करना आवश्यक होता है। बड़े दांव पेच होते हैं इस प्रेम युद्ध में भी, इसलिए मैं कहती हूँ वो आएगा, अवश्य आएगा। क्यों आएगा? हमने आक्रमण जो किया है उस पर, उसका बदला लेने मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी चाल पर। फिर उसने ये भी कहा कि युद्ध के बाद जो संधि होती है वो पक्की होती है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की ताकत का पूरा अनुभव हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि वो संधि करने के लिए तैयार हैं। उनकी बातों से तो ऐसा ही लगता था कि हमारे सेनापति से मिले बिना तो उन्हें चैन ही नहीं आता, और हमें भी तो कई दिनों से माखन खाने को नहीं मिला। फिर तो कन्हैया, हमें समझौता कर ही लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत दिनों से हमें भी माखन खाने को नहीं मिला। हमारी सेना का मनोबल टूटता दिखाई दे रहा है। अर्थात? अरे, माखन के लोभ में तुम सब लोग ये भी भूल गए कि उन्होंने इस बात का वचन नहीं दिया था कि वो फिर कभी हमारी शिकायत नहीं करेंगी। बोल मनसुखा बोल, उनमें से किसी एक ने भी कहा कि वे फिर हमारी शिकायत नहीं करेंगी, और जो पहली शिकायत की वो उसके लिए क्षमा मांगने का निश्चय किया उन्होंने। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। तो इसका अर्थ है अभी समझौते का ठीक समय नहीं आया। यदि वो समझती है कि अब भी उनका पलड़ा भारी है और वे अपने सारे समझौते हमसे मनवा लेंगी, तो हमें तब तक अपने युद्ध को नहीं रोकना चाहिए जब तक हमारा पलड़ा भारी न हो जाए और हम उन्हें क्षमा मांगने पर विवश नहीं कर देते। तो इसका अर्थ ये युद्ध बहुत लंबा होगा। मुझे अब एक ऐसी चाल सूझी है कि हमारे एक ही हल्ले में वो अपने सारे दाव पेच भूलकर हमारी शरण में आ जाएंगी, क्योंकि प्रेम की एक ही रीत है, संपूर्ण समर्पण। काना की मुरली की ध्वनि लगती है। उसी की ध्वनि ऐसी मनमोहक होती है। मैं कहती थी ना, वो अवश्य आएगा। देखो, वो स्वयं ही आ गया। हाँ, परंतु वो है कहाँ? कहीं पास में ही बैठा होगा नटखट। चलो उसे बाहर जाके ढूंढते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। अरे, हमारे वस्त्र कहाँ हैं? उसके छोटे छोटे चरण दिखाई दे रहे हैं। हाँ, वही है, वही है। कान्हा, ओ कान्हा। तू यहाँ क्या कर रहा है रे? मैं अपनी मुरली बजा रहा हूँ, पर तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? हम स्नान कर रहे हैं। अच्छी बात है, करो। कन्हैया, हम नदी से बाहर आना चाहती हैं। तो आ जाओ। परंतु हमारे पास वस्त्र नहीं है। तो तुम वस्त्रहीन होकर नहा रही हो? हाँ। छी छी छी,
तुम्हें पता नहीं नदी में वस्त्रहीन होकर नहाना पाप है, इससे नदी की देवी का निरादर होता है। भूल हो गई, पर अब हमारी सहायता करो, हमारे वस्त्र कोई ले गया है, तनिक पेड़ के नीचे आकर देखो तो हमारे वस्त्र कौन ले गया है। मैं क्यों जाकर देखूं, मुझे तो अपनी मुरली बजाने में आनंद आ रहा है, तुम स्वयं ही जाकर देख लो। परंतु इस अवस्था में हम जल से बाहर कैसे निकले हैं? जिस प्रकार जल के अंदर गई थी। उस समय तो यहाँ कोई नहीं था। कोई नहीं था? क्यों झूठ बोलती हो? सच्ची कहती हूँ, कोई नहीं था। अरे भगवान जी तो थे। भगवान जी? हाँ भगवान जी, सुना नहीं? भगवान जी तो सब जगह होते हैं, सो भगवान जी के सामने निवस्त्र क्यों हो गई? लज्जा नहीं आई? भूल हो गई लल्ला, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। अब हमें और मत सताओ, हमारे शरीर ठंड के मारे कांप रहे हैं। हमारा इतना काम तो कर दो कि हमारे वस्त्र ढूंढ कर ले आओ। हम तुम्हारे हाथ जोड़ती हैं। अच्छी बात है, हम तुम्हारा ये काम कर देते हैं, परंतु हमारी एक शर्त है। शर्त? अरे वो देखो, मेरा वस्त्र उसी पेड़ पर है। तो हमारे वस्त्र तुम्हारे पास हैं? हाँ यही मेरे पास है। धूर्त, तो तू ही हमारे कपड़े चुरा कर ऊपर ले गया था? मैंने चुराए नहीं, ये वस्त्र धरती पर पड़े थे, मैंने सोचा कोई चुरा ले जाएगा, इसलिए वस्त्र संभाल कर पेड़ पर रख दिए। तुम कहती हो कि ये तुम्हारे हैं, तो तुम्हें दे देते हैं, परंतु हमारी एक शर्त है। हमें कोई शर्त वर्त नहीं सुननी। निर्लज्ज बेशरम, पहले माखन चुराता था, अब वस्त्र भी चुराने लगा। दे दो हमारे वस्त्र वापस, नहीं तो यशोदा मैया से कहकर ऐसी पिटाई लगवाएंगी कि जीवन भर याद रखोगे। ये बात है, तो जाओ कर दो शिकायत। अरे मनसुखा, तू तो कहता था कि ये बेचारियां समझौता करना चाहती है, देख रहे हो इनकी अकड़। अरे, अरे, अरे? हाँ देख रहा हूँ। अच्छा तो सारे धूर्त इकट्ठे होकर आए हैं, याद रखना सब गांव वालों से तुम्हारी पिटाई करवाऊंगी। देखो हम तुम लोगों से संधि करने आए थे, परंतु ऐसा लगता है कि ये युद्ध अभी चलता रहेगा, अच्छी बात है। कृष्णा ये तो क्या गांव वालों के पास जाएंगी, हम इनके वस्त्र लेकर इनके पतियों को दिखा देते हैं, ताकि वो भी जान ले कि हमारी पत्नियां खुले वन में निवस्त्र होकर कैसे घूमती है। कृष्णा हमें दे दे इनके वस्त्र और तू भी नीचे आ जा, देख लेंगे। अरे क्या कह रहा है ये? ये तो सचमुच ले जा रहे हैं। अरे रुक रुक, अरे क्या किया जाए? अभी बाहर नहीं जा सकते। ये क्या? अरे मेरे वस्त्र, चलो। अरे जा रहे हैं, इसका बड़ा भयंकर परिणाम होगा। मनसुखा ये डराती है कि बड़ा भयंकर परिणाम होगा। भयंकर इनके लिए होगा, तुम डरो मत, चलो। नहीं नहीं कान्हा, इस प्रकार मत जाओ, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगी। ठहरो। हाँ, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगी, हमारे वस्त्र वापस दे दो। पहली शर्त ये है कि आज के बाद फिर कभी कोई शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास नहीं जाओगी, बोलो स्वीकार है? हाँ स्वीकार है। प्रतिदिन हम सबके लिए माखन और छाछ लेकर आया करोगी, बोलो स्वीकार है? हाँ स्वीकार है। पिछली शिकायतों के लिए कान पकड़कर क्षमा मांगो। हम वचन देती हैं। पांच बार उठक बैठक करो, एक दो तीन चार पाँच। अब हमारे सेनापति को प्रणाम करो। प्रणाम। कल्याण हो, रख दो सबके वस्त्र। अब चलो, पीछे मुड़कर कोई नहीं देखना, आंखें बंद करके चलो। कितना छलिया है, एक ही चाल से हरा दिया हमको। मुझे तो इससे हारना भी अच्छा लगता है, उसकी मोहिनी ही ऐसी है।
मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आप प्रतिदिन उससे भेंट हुआ करेगी। परंतु उसके मित्र बड़े धूर्त हैं, वही उसे उल्टी सीधी बातें सिखाते हैं। अरे तुम उसे पुत्र के रूप में प्रेम करती हो तो पुत्र के सखाओं को भी प्यार करना सीखो। मान गए सेनापति जी, क्या योजना सूझी तुम्हें? एक ही दाव में मात कर दिया सबको। इससे नहीं, उनको तो उनके प्रेम ने हरा दिया। मनसुखा, प्रेम का युद्ध ऐसा ही होता है, इसमें जो हारता है वही जीतता है।